गौरव भाटिया सीधे बीजेपी पर भी आरोप लगा रही हूं और कह रही हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां पर उन्होंने जो कुछ भी बोला हो आपने सुन लिया है। क्या वास्तव में हमारी तैयारी उस तरीके की है नहीं और यहां पर हमें बच्चों की चिंता ज्यादा होनी चाहिए या फिर इस बात को लेकर कि सिंगापुर वेरियंट, ये वेरियंट हमारे नेता ने क्या कह दिया, ये इमेज की चिंता ज्यादा की जा रही है बजाय इसके कि लोगों को कैसे बचाया जाए, क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है? चित्रा जी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह। अब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कौन ज्यादा अपरिपक्व है, कौन ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, और बड़े मियां राहुल गांधी हैं या बड़े मियां अरविंद केजरीवाल जी। और चित्रा जी, जो बात मैंने संवैधानिक दृष्टि से रखी, वैज्ञानिकों की बात सुनते हुए केंद्र सरकार काम कर रही है, बच्चों की चिंता हर सरकार को है, मैं मानता हूं हर दल को होगी, हर नागरिक को होगी, उस पर कोई उत्तर नहीं मिला। और कांग्रेस से ज्यादा बड़ा गुनाहगार तो कोई है ही नहीं, ये लोग तो राजनीतिक गिद्ध हैं। और कल ही की बात है, टूल किट की बात हुई, वो टूल किट थोड़ी ना थी, वो तो इनकी अराजकता की स्कूल किट थी। और वो कर क्या रहे थे, ये बता रहे थे कि ये इंडियन स्ट्रेन है। आप बताइए चित्रा जी, भारतीयों को कैसा लगता होगा जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि स्ट्रेन इंडियन स्ट्रेन नहीं है, लेकिन ये बता रहे मोदी स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, प्रेस रिलीज भी सामने आया था, एक सेकंड रागनी में आ रही हूँ, सिंगापुर की एक प्रेस रिलीज मेरे पास है, उसमें इस बात का जिक्र 4 मई को किया गया था, इंडियन वेरियंट कहकर संबोधित किया गया था। आप लोगों की ओर से आपत्ति दर्ज की गई सिंगापुर से इस पूरे मामले पर? अच्छा चित्रा जी, एक बात बताइए, अपने देश की पॉलिटिकल पार्टी मोविड वायरस कहती है, मोविड वायरस, और मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों कहती है, इसके पीछे एक मंशा है कि देश बदनाम हो, सिंगापुर में आपत्ति दर्ज कराई भारत सरकार ने या फिर नहीं, मेरा सवाल ये है गौरव भाटिया। मेरा मैं उत्तर ही दे रहा हूँ आपको चित्रा जी, पूरे विश्व में तमाम, आप दिखा दीजिए कौन सी है, किस पत्रकार ने कहा है, कौन सा जर्नल है, मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरे विश्व में क्या कहा जाता है ये अहमियत नहीं रखता। जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है हमारे राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं या नहीं, और दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है। और एक बात चित्रा जी अंत करूंगा, महाराष्ट्र में तो इतनी दुखद मौतें हुई हैं कि वहां के नागरिक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगता है कांग्रेस वसूली स्ट्रेन आ गया है। क्या हम ऐसे बोल रहे हैं? हम दिल्ली पर रहते हैं, मैं आ रही हूं रागनी आपकी जानकारी के लिए, गौरव भाटिया मैं बता देती हूं क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है, ये सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से मई 4 को प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें इंडियन स्ट्रेन कहकर, इंडियन वेरियंट कहकर संबोधित किया गया, और पूरी की पूरी डिटेल है, आप कहेंगे तो आगे मैं भेज दूंगी, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए सीधे अब मैं अशोक सज्जनहार जी आपका रुख करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने क्या सिंगापुर वेरिएंट स्ट्रेन कहकर गलती कर दी और इसी वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी को? हम देख पा रहे हैं कि बच्चों की चिंता की बात तो बार बार कही जा रही है, की भी जानी चाहिए, वो कोई भी सरकार हो या फिर आम आदमी हो, लेकिन यहां पर दूसरे देशों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, इस पर किसी भी नेता को बोलने से पहले क्या सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चित्रा जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। और मेरे विचार से ये जो स्टेटमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का, ये बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ये इसने भारत को एम्बेरेस किया है। देखिए मैं कहूंगा, दो चीजें कहूंगा इसमें, एक तो ये केवल सिंगापुर में नहीं है, यही जो स्ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं B16172 केवल सिंगापुर में नहीं है, ये 44 और देशों में है। अगर इनको अरविंद केजरीवाल जी को जिक्र करना था, भाई इन्होंने सिंगापुर का नाम क्यों लिया, 44 और देशों का नाम लेते, जो वहां से आप फ्लाइट्स को बंद करिए, वहां से आप मत आने दीजिए, वहां से आएंगे, सिंगापुर का नाम क्यों लिया है? दूसरी बात है, मेरे विचार से चित्रा जी, ये इमेज की बात नहीं है, ये संबंधों की बात है, और सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा हिमायती रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। आपको मालूम है जो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी 1992 में, उसके बाद 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की, उस सब पॉलिसीज में सिंगापुर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। जो भी हमारा साउथ ईस्ट एशिया में हमारे रिश्ते रहे हैं, सबसे अग्रणी सिंगापुर उसमें रहा है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो निवेश है भारत में पूरी दुनिया में, वो सिंगापुर से है, मॉरिशस और सिंगापुर, ये दो देश हैं जो कि, तो ये मैं कहूंगा इमेज की बात नहीं है, ये है हमारे संबंधों की बात। और अगर सिंगापुर भी इसके ऊपर कुछ नहीं कहता, मेरे विचार से इतना बवाल यहां पर नहीं उठना था। एक आखिरी चीज मैं कहूंगा, जो आपने वो कहा है, जो ये इसके ऊपर हमने आपत्ति जताई थी या नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम है 6 तारीख या 7 तारीख को, परंतु उसी के आसपास हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा हमने ये WHO के साथ किया है,
जो इसको इंडियन वेरिएंट का नाम नहीं देना है, किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, और ये B1617 ही जाना जाएगा। बिल्कुल, और WHO की स्पष्ट तौर पर ये गाइडलाइन है कि उसके साइंटिफिक नाम से ही संबोधित किया जाए, किसी भी देश के नाम को कोरोना के साथ नहीं जोड़कर ये बताया जाए कि ये नया स्ट्रेन यहाँ का है या इससे जुड़ा हुआ है। सैयद अब्बास साहब, बरबोलापन हो गया इस पूरे मामले पर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी बात नहीं मानता। मैंने जैसे कहा है, मैं आपको तमाम जो सिंगापुर के डेली न्यूज रिपोर्ट्स हैं, मैं उसको ट्वीट करके आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। दूसरी बात चित्रा जी, बस 30 सेकंड में समाप्त करता हूँ। दूसरी बात गौरव भाटिया साहब, आपने क्यों आपत्ति नहीं जताई? आपको अरविंद केजरीवाल के बोलने पे बहुत ही दर्द होता है आपको, लेकिन आपकी छवि, आपकी इमेज का क्या हुआ जब सिंगापुर वालों ने इंडियन वेरियंट कहा? और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रागिनी जी, आपका कोई भी एक स्टेट बताइए जहां पे आपका कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के जैसा काम किया हो। 50,000 रुपया कोई भी पीड़ित हो कोविड का, उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हो उसके एजुकेशन के लिए 25,000। और बताइए आप, जो बहुत आसान है आपको बीच में बैठ के कांग्रेस और भाजपा के साथ खेलना, लेकिन आप बताइए आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया क्या है अभी तक? बहुत आसान है मुशायरा करना, बड़े मियां छोटे मियां, अरविंद केजरीवाल के जैसा काम कीजिए। आज जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, कल तमाम आपके मोदी लीडर हो या राहुल गांधी हो, कल देख के वही करते हैं। अगर अगर सिंगापुर से अगर इफेक्ट हुआ तो कौन इसकी जवाबदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा?